क्या कभी कह रहे हैं अभी गिरफ्तार नहीं किया, थोड़ी देर बाद मिलाएंगे। परिसर बड़ा है, आईओ साहब आए, दो मिनट में वापस चले गए। सेक्शन 41D CRPC ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति से पूछताछ के दौरान उसका पसंदीदा वकील उनसे मिल सकता है। गोवर्धन सिंह जी ने मुझे स्पेशली कहा था कि आप पूछताछ के दौरान प्रार्थना पत्र ले आना, अगर ये मिलने देते ठीक है, नहीं तो एक एप्लीकेशन दे देना। अभी ये आज के टाइम में एप्लीकेशन भी नहीं ले रहे हैं, आप ये एप्लीकेशन देख सकते हैं। मैंने यही एप्लीकेशन लिखी है कि 41D की पालना में मुझे मेरे वकील से मिलने दिया जाए, उसके बावजूद ना तो एप्लीकेशन ले रहे हैं ना ये मिलने दे रहे हैं। वास्तविक हकीकत सबको पता है, कब गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है, गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत है। जब हाई कोर्ट ने यदि स्टे को वैकेट कर दिया तो आप ऑर्डर का तो इंतजार करो। ऐसा क्या है कि आपको इतनी क्या जल्दी लग रही थी कि कोर्ट टाइम के अंदर, कोर्ट के बाहर, कोर्ट ड्रेस के अंदर आपको उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी? बदतमीजी से आप, ऐसा क्या दबाव था आपके ऊपर कि आपको तुरंत गिरफ्तारी करनी पड़ी? ऑर्डर का इंतजार करते आप? आज तक आपने कितने मुलजिमों को कोर्ट से गिरफ्तार किया है, कितने वकीलों को कोर्ट से गिरफ्तार किया है? ओनली गोवर्धन सिंह बारदार को गिरफ्तार क्यों किया आपने? क्यों? क्योंकि वो बेदागों की बोलता है। मैं भी बोलता हूँ बेदागों की, मेरे को करो गिरफ्तार। सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है, मैं खुद कह रहा हूँ पूरी तरीके निकम्मी है। आज एक वकील को बंद करके आपने क्या साबित कर दिया कि आप पूरी तरीके निकम्मे हो? कोर्ट के आपने पूरे माहौल को पूरा चेंज किया है। कोर्ट के बाहर से वकील को गिरफ्तार किया जाता है, वो भी एक ही बहुत गलत तरीके से गिरफ्तार, रनिंग कोर्ट कहा था, बिना विदाउट ऑर्डर आप गिरफ्तार करें। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि एकाधिकार हमारा है? कितने सारे मुलजिम बाहर घूम रहे, उनको बाहर घूम रहे, सरेआम गोलियां चला रहे, लूट हो रही है, आप वकील को गिरफ्तार कर रहे? आप एक वकील के लिए इंटरिम बेल आज ही ऑर्डर हुआ, आज ही आपने उसको अरेस्ट कर लिया। कितने सारे मुकदमे पेंडिंग है, जितने मुलजिम घूम रहे हैं। सुनवाई के तुरंत पश्चात ऑर्डर भी नहीं आया अभी तो। और ये भी कहना चाहते हैं कि जब हमारे को विशेष अधिकार दे रखा है वकीलों को कि आपको कोर्ट के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो फिर इस आधार पर कोर्ट में गिरफ्तार किया गया है गोवर्धन सिंह जी को, और ये बिल्कुल गलत है। लीगल प्रोसेस का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया। सरकार और मंत्रियों की और अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब दबाव लगाया जा रहा है। मेरा कहना ये है कि यदि कोर्ट का ऑर्डर आ जाता तो गोवर्धन सिंह वारदार कोई ना तो आतंकवादी है ना कोई टेररिस्ट है कि जिसको आपको तुरंत गिरफ्तार करना पड़ा कि हमारे गोवर्धन सिंह वारदार आतंकवादी यहाँ खड़ा है। भाई वो आम आदमी है, फेसबुक पे एनी टाइम 24 घंटे लाइव रहता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, हर मुद्दे के खिलाफ बोलता है। लेकिन आप ऑर्डर आने के बाद कुछ जो भी कार्रवाई करनी थी आप लीगली कार्रवाई करते, हम उसके साथ आप थे, लेकिन आपने बिना ऑर्डर के किस सरकार की वजह से या किस आला अधिकारी की वजह से आपने गिरफ्तार किया? हमारे को उसका नाम चाहिए, नहीं तो ये मुहिम आज से लेके आगे तक बढ़ेगी। हम गोवर्धन बारदार के साथ बलात्कारी है, बलात्कारियों को राजस्थान सरकार ने करीब 5 साल की बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, 3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, एक अधिवक्ता को, एक आरटीआई कार्यकर्ता को इस तरह से पकड़ के लाया जाता है, ये कौन सा तरीका है? प्रशासन को आराम से भी ला सकता था, ये रेयर केस नहीं था, वो समाज के लिए लड़ते हैं। पूरे वकीलों की फजीती हुई है इस साथ में कि एक अधिवक्ता को कोर्ट में इस तरीके से पकड़ के लाया जा रहा है, वो सेम है। राजस्थान पुलिस इस तरीके से किस तरह भ्रष्ट हो चुकी है एक आरटीआई कार्यकर्ता को, और मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। क्या ये जो पुलिस थाने है ये जनसेवा के लिए है, लोगों के लिए है? क्या आतंकवादी है या क्या उसने राजस्थान को उड़ाने की कोई साजिश की है? इस थाने में लाए गए 4 घंटे हो गए और अभी तक इनके पास कोई ऑर्डर नहीं गिरफ्तारी का। सबसे बड़ी बात तो ये है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश इनके हाथ में नहीं है। माननीय जब उच्च न्यायालय का आदेश नहीं आया तो इन्होंने किस आधार पे, किस ग्राउंड पे इनको गिरफ्तार किया? और यदि गिरफ्तारी हो गई तो ये बताए कि हमने इस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया है, ना ये जवाब दे रहे ढंग से। ऐसा कौन सा आला कमान का दबाव है? बिना कोर्ट के ऑर्डर की इस तरह से वकील को गिरफ्तार करना लोकतांत्रिक प्रणाली है, और सभी वकील भाई अगर इनको 24 घंटे नहीं छोड़ा गया तो सर धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे, और सभी इसका घेराव करेंगे थाने का।